ये मैं पहले आपको वही स्टोरी में आपको तो शेयर कर देता हूँ बस, ठीक है? देन जो है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लियर हो गया? ये है हमारी स्टोरी जो कल मैंने आपको भेज दिया था, 38 पे मेरे घर। ये मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों से ये नहीं है, के लिए थोड़ी देते हैं। ये भी नहीं है, 30। असल में ये डॉक्यूमेंट के नाम से सारे हैं ना, इस वजह से फिर मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये अब आप किसको देंगे? ठीक है, इसमें ये आपके पास, अब मैंने शेयर कर दिया है, वो कल वाली स्टोरी ही है जो इसके बारे में मैंने कहा था, पहले आप लिखो और आज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन जो है मैं नेक्स्ट स्टोरी भी आपको बता देता हूँ। आज हमारा काम कंप्लीट है, उसके बाद 2 दिन जो होंगे वो टेस्ट के होंगे, ठीक है? तो उसमें मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों से रिलेटेड टू ये जो 17 को हमारा पेपर होना है ऑनलाइन, ठीक है? उसके लिए तो अब पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। फार्मर एंड हिज सन्स, ठीक है, किसान और इसके बेटे। अब इनके बारे में एक स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ सर्टेन विलेज, ठीक है। एक दफा कोई किसान जो है वो किसी गांव में, सर्टेन विलेज का मतलब है किसी गांव में रहता था। ही हैड 3 सन्स, ठीक है, उसके बाद उसके 3 बेटे थे। They used to quarrel with one another, ठीक है, उनका मसला क्या था, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है, छोटी सी छोटी बातों में क्या होती थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होती थी। He often advised them not to quarrel, but it was all in vain, ठीक है, वो अक्सर तौर पर उनको यही नसीहत करता था कि कोई उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, ठीक है, आपस में ना लड़े, लेकिन ये सारी नसीहत जो है बेकार की थी, यानी वो नहीं सुनते थे, ठीक है। वेन बेकार में जाना, और वेन ये एक्सप्रेशन है, इट मींस ऑल जो है तमाम चीज बेकार थी। दिस पेन्स हिम वेरी मच, ठीक है, उसे उस बूढ़े को, उस फार्मर को बड़ी तकलीफ हो रही थी, ठीक है। पेन ही फेल इल, एक दिन वो बीमार हो गया। ही थॉट हिज एंड वाज नियर, और उसने सोचा कि वो अब मरने के करीब था। एंड मींस डेथ, ठीक है, डेथ वॉज नियर भी आप लोग लिख सकते हो, यानी उसकी मौत का वक्त आ गया था, करीब था, मरने वाला था। He sent for his son, तो उसने अपने बच्चों को बुला, send for किसी को बुलाने के लिए भेजने को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके को कहता हूँ कि फलां बच्चे को आप जाके बुला के ले आए, ठीक है, तो इट मीन सेंड फॉर, ही सेंड फॉर हिज सन, उसने अपने बच्चों को बुलाया। व्हेन दे केम, जब वो आए, ही आस्क वन ऑफ देम टू ब्रिंग सम ट्रिक्स स्टिक्स एंड टाइड देम इनटू अ बंडल, तो इनमें से एक बेटे को कहा जाके कुछ स्टिक्स लाओ, छड़ियां, और एक ही बंडल की शक्ल में एक उसमें बांधो, ठीक है। व्हेन दे के सॉरी, ही आस्क हिज सन्स टू ब्रेक देम द बंडल, तो अब का क्या कहा कि इस बंडल को तोड़ने के लिए अपने बच्चों को कहा। दे ट्राइड हार्ड वन बाय वन बट फेल, उन्होंने एक एक करके सबने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। द फार्मर देन अनटाइड द बंडल, तो किसान ने क्या किया, दोबारा इसको ओपन करवाया, खोल दिया, एक एक स्टिक को अलग किया। ही गेव वन स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन्स, ठीक है, तब क्या किया,
अपने बच्चों को एक एक स्टिक हाथ में पकड़ा दिया ही आस दम टू ब्रेक द स्टिक्स। अब कहा कि ये सिंगल स्टिक जो है वो तोड़ के दिखाए। ईच ब्रोक द स्टिक इजिली, तो हर एक ने अपनी छड़ी आसानी से तोड़ दी क्योंकि अब एक सिंगल थी ना। द फार्मर देन एडवाइज्ड देम दैट इफ दे वर यूनाइटेड लाइक स्टिक्स नो वन वुड हार्म देम। तो अब किसान ने उनको क्या समझाया, कहा कि आप अगर मुत्तहिद होंगे तो क्या होगा कि इन स्टिक्स की तरह आपको कोई नहीं तोड़ सकेगा। अगर आप मुंतशिर होंगे ठीक है तो फिर क्या होगा, स्टिक्स की एक स्टिक जिस तरह टूट गई लोग आपको भी तोड़ देंगे ठीक है। दिस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन दम, तो ये उसकी ख्वाहिश थी कि बच्चों को समझ आए। दे बिगन टू लिव पीसफुली, उसके बाद वो आपस में इत्तेफाक से रहने लगे क्योंकि उनको बात की समझ आई थी कि अगर वो अपने आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करेंगे तो लोग उनको गिराने आसानी से गिरा सकेंगे ठीक है। तो ये स्टोरी थी फार्मर एंड हिज सन्स। इसके मोरल बनते हैं, एक तो यूनियन इज स्ट्रेंथ ठीक है, इत्तेफाक जो होती है वो कुव्वत होती है, इत्तेफाक कुव्वत है ठीक है। जब आप मुत्तहिद है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब आप मुंतशिर हो जाते हैं तो आपको हर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात, यूनाइटेड वी स्टैंड, जब भी हम मुत्तहिद होते हैं तो हम खड़े हो सकते हैं अपनी हक के लिए किसी बात के लिए। डिवाइडेड वी फॉल, और तकसीम हो जाते हैं तो हमें लोग गिरा देते हैं ठीक है। तो ये मॉरल लेसन था। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन अभी कर ले, अगर नहीं क्वेश्चन तो मैं जो है फिर दूसरी नेक्स्ट स्टोरी जो है वो भी लेके आता हूँ, आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। कल वो आप नेक्स्ट स्टोरी लिखेंगे, अगले 2 रोज जो है इसमें सिर्फ हमारा टेस्ट होगा ठीक है। तो इसमें मैं जस्ट रूम ऑन करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ठीक है जी। इससे मुतलिक कोई बात है तो क्वेश्चन पूछे, नहीं बात है तो फिर कह दे कि नहीं है। यस अनम्यूट कर दिया, ये बता दो कोई बात तो करो आज। जी चले मैं नेक्स्ट स्टोरी लेके आता हूँ। ये इबारत आप अब आए हो, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कल की जो स्टोरी मैंने भेज दिया था वो हमने डिस्कस किया है। मैं नेक्स्ट आखिरी स्टोरी है और इस पूरे दौरानिए का आखिरी लेक्चर है इसके। कल के बाद मैंने कहा है 2 दिन आगे के 13, 14 और 15 डे जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टेस्ट होगा ठीक है। तो आपने लिखा है ये बात, ये लिखा है आपने कॉपी पे कल? सर लिखा नहीं है मैंने, खाली वो उतार मार्क कर दिया कि यहाँ पेज नंबर इस पे है, स्टोरी नहीं लिखता, नहीं नहीं बाकी नहीं सारा काम बुक लिखा हुआ। पे नंबर वाला याद नहीं करना है, ये आज लिखना है ठीक है। आज मैं नेक्स्ट स्टोरी भी भेज देता हूँ ये आज कुछ फिर। और है जी आज? जी ये वहां पे कुछ और लिखा हुआ है ना, मैंने बात अच्छा समझाया फिर इसकी है मैं लिख ठीक लूंगा। है। गुड ठीक है शाबाश, ये लिख ले और ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, कर देता हूँ आपको ये मेरी। अब जो मैं स्टोरी लाने लगा हूँ वो है जनाब काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी ये जो है आखिरी हमारा टॉपिक है, इसके बाद हम टॉपिक जो है वो क्लियर है हमारे 36 पे ये है ना। तो ये देखें, नहीं ये नहीं है, ये आए हुए
एक मिनट के लिए बच्चे आप वेट करें, एक मिनट के लिए मैं इधर से मोबाइल से चेक कर लेता हूँ कौन सा मैंने 36 है। ये 36 मैं यहाँ देख रहा हूँ, 36 है। अब आ गया है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। अब ये शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से, ये है स्टोरी, ये भी लिखना है ठीक है। बुक पे निशान लगा के वो वाला काम नहीं हो सकता है, ये लिखना है तो वो फिर बुक की निशान बाद में भूल जाते हो, फिर कॉपी प्रॉपर मेंटेन नहीं हुई होती है तो फिर मसले आ जाते हैं। ये लिखना है, एक बार लिखने से काफी चीजें याद भी हो जाती है, तो ये भी अच्छी बात है कि आप चीजें याद कर लेते हैं। तो ये भी इतनी ज्यादा स्टोरी नहीं है, कम है। तो काइंडनेस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस के ऊपर है कि मेहरबानी, जो वो लोगों के साथ मुख्तलिफ क्रिएचर्स के साथ मुख्तलिफ जनों के साथ जो मेहरबानी करते थे, ठीक है, इनके साथ जो सलूक होता था। तो द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूनाइटेड द मुस्लिम्स इनटू अ वंडरफुल ब्रदरहुड, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को, भाईचारगी में लाया। एक दूसरे के दुश्मन जो थे वो एक दूसरे को भाई कहने लगे, भाई बनने लगे। दे वर सिंसियरली डिवोटेड टू वन अनदर एंड मेड एवरी सेक्रीफाइस फॉर अदर मुस्लिम्स, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ मुखलिस हो गए, ठीक है, सिंसियरली डिवोटेड, मुखलिस बनना और एक दूसरे के साथ कुर्बानी देने लगे, दूसरे के लिए कुर्बान होने लगे। वंस, तो ये एक स्टार्टिंग था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान थे और लोगों को कैसे कैसे राह रास्त पे लाया था। वंस द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट आउट ऑन अ जर्नी अलोंग विद सम ऑफ हिज कंपेनियंस। तो एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ, कंपेनियंस आम दोस्त कहते हैं, तो हुजूर पाक सल्लम के दोस्त मुराद सहाबी, सहाबियों के साथ किसी सफर पे जा रहे थे। बर्ड्स वर सिंगिंग एंड चिरपिंग जॉयफुली, तो परिंदे जो है वो गा भी रहे थे साथ में, खुशी इधर उधर उड़ रहे थे। परिंदे देखा उन्होंने। वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सा नेस्ट इन अ बश, ठीक है। तो एक जाड़ी के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने घोंसला देखा परिंदे का। इट वाज द नेस्ट ऑफ स्पैरो, ये चिड़िया का घोंसला था। एंड देयर वर टू स्पैरो चिक्स इन इट, तो इसके अंदर दो परिंदे थे, ठीक है, उसके बच्चे थे, सॉरी स्पैरो के। ही पिक्ड अप द यंग स्पैरो, तो इसमें से उस बच्चे को निकाला। All at once the sparrow came flying and began to fly over his head. इतने में ही क्या होंगे, वो मदर जो स्पैरो की माँ थी चिड़िया, वो आई और इसके सर के ऊपर से उड़ने लगी और साथ वो अब चिरपिंग का चहचहाने लगी, आवाज निकालने लगी। The holy prophet peace be upon him asked his companion why the sparrow was fluttering over his head. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो अपने सहाबी से सवाल किया कि ये स्पैरो आपके सर पे क्यों इस तरह चक्कर लगा रही है। ही टोल्ड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट ही हैड रिमूव्ड देयर यंग वंस फ्रॉम देयर नेस्ट, तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इन्होंने उनके बच्चे को घोंसले से निकाला है, उठाया है। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज ग्रेटली मूव्ड, ग्रेटली मूव का मतलब है किसी चीज को बुरा मानना। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को अच्छा कंसीडर नहीं किया, अच्छा ख्याल नहीं किया। ही पीस बी अपॉन हिम फेल सॉरी फॉर द पुअर लिटिल बर्ड्स, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परिंदे के बारे में उसे यानी हमदर्दी का इजहार किया। एंड एडवाइस हिज कंपेनियन टू पुट बैक द बेबी स्पैरो इन इट्स नेस्ट एट वंस, तो फौरन ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो इस बच्चे को घोंसले में छोड़ आए। विच ही डिड, तो फौरन ही सहाबी ने हुक्म की तामील की और छोड़ आया। द स्पैरो फेल्ट हैप्पी एंड क्राइड नो मोर, तो इस वजह से वो जो उनके चिड़िया थी, चिड़िया वो खुश हो गए और साथ में वो कोई
आवाज अपनी निकाले और न ही सर के ऊपर से फड़फड़ाने लगे। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज काइंड एंड अफेक्शनेट नॉट ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ इंसानों के साथ मेहरबान नहीं थे बल्कि तमाम जो मखलूकात हैं दुनिया के अंदर इन सब के साथ मेहरबानी फरमाते थे। फॉर दिस वेरी रीजन God Almighty was pleased to bestow upon him the little title of benefactor of all the worlds. यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। एक मिनट के लिए आप रुकेंगे, मैं सर से बात करूँ। For this very reason, God Almighty was pleased to be bestow upon him the title of benefactor of all the worlds. The Holy Prophet, peace be upon him, also said, God will not be kind to him who is not kind to others. और साथ ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स से मेहरबान उस शख्स पे मेहरबानी नहीं करता जो इनकी जो बनाए हुए मखलूक है क्रिएचर है उसके साथ मेहरबानी नहीं करता या दूसरों के साथ मेहरबानी नहीं करता। जिस तरह का बिहेवियर आपका होता है इस तरह का दूसरे शख्स का भी आपके साथ वही होता है। ठीक है, जो आप दूसरों के साथ करते हैं, सिंपल बात ये। तो इसका मॉरल भी यही है, God will not be kind to him who is not kind to others. तो अल्लाह ताला उस शख्स के साथ मेहरबानी नहीं करता जो दूसरों के साथ मेहरबानी नहीं करता। ठीक है, तो ये बात थी इस स्टोरी की। ये भी मैं आज आपको क्या नाम है भेज देता हूँ PDF, तो ये भी लिखेंगे, कल वाली भी आप लिख लेंगे। और जब आप कल क्लास में आएंगे तो कोई न्यू चीज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा इंडेक्स आप देख सकते हो, हमने सब कंप्लीट किया है। कल जब आप क्लास आएंगे तो आप किस स्टॉपिंग बाय वुड्स यानी यूनिट नंबर 8 का बुक एक्टिविटी प्लस वोकैबुलरी याद करके आने हैं, वो मैं पूछ के नंबर लगा दूंगा। अगर ऑनलाइन में एक दो नंबर मिस हुए इन दो टेस्टों में अगर फुल मार्क्स जिस बच्चे ने ले लिया है तो उसको वहां से एक मार्क्स यहां से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन दो टेस्ट को हमें सही तरीके से देना है। इसमें सिर्फ सवाल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट होना है ना, तो बुक एक्टिविटी प्लस वोकैबुलरी याद करना है। ठीक है, किसी बच्चे से मैं कोई वर्ड का स्पेलिंग पूछूंगा, किसी से वर्ड की मीनिंग पूछूंगा, किसी से यूनिट की वोकैबुलरी यूनिट एक्टिविटी जो है वो पूछ लूंगा। इसी तरह हमने कंबाइन एक बुक एक्टिविटी भी की थी, वो भी पूछ लूंगा। तो ये सारे आप लोगों ने जो है करना है। ठीक है, तो कल से दो दिन के लिए सिर्फ टेस्ट होगा, नहीं कोई लिखने की चीज नहीं होगी, कोई और चीज नहीं होगा। तो लिखने का काम आज तक था, तो आज ये काइंडली आप लोग लिखेंगे दोनों स्टोरीज। फिर सुकून आओगे तो ये बात नहीं होगी किसी की कॉपी में ये नहीं लिखा हो, तो ये बड़ी नाराजगी की बात होगी। ठीक है, अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो जी अहसन शहजाद री चैप्टर नंबर 8 की वो याद करके चैप्टर नहीं करें, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है, सब्र करें। चैप्टर नंबर 8 का ना एहसन, चैप्टर नंबर 8 का आपने क्या नाम है करना है यूनिट बुक एक्टिविटी, साथ में जो बुक रिव्यू है वो करना है। ठीक है एहसन, समझ आ गई है बात? यस सर जी। ठीक है, वो हो गया, गुड जी। इबार अब बताए क्या करना है। मैं आप अटेंडेंस ले लेता हूँ एक मिनट के लिए, आप रुकेंगे क्वेश्चन नहीं, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, देन आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, अब अटेंडेंस हो गई है, जिस बच्चे को क्वेश्चन है वो फिर रुके, जिसको क्वेश्चन नहीं है फिर आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।